आज तुम कहीं भी भाग के नहीं जा पाओगी तनु, कहीं भी। तुम वही हो जिससे मैंने अभी फोन पर बात की है? दिखता शरीफ हो। वो चोरी बुलाया क्यों मुझे? चोरी करने के लिए। कहाँ करनी है चोरी? वो सामने वाली गली देख रहे हो, वहां पर लास्ट में जो बंगलो, तुम्हें वहां चोरी करनी है। हाँ तो रॉकस्टार का बंगला है। हाँ रॉकस्टार अभी का बंगला है, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें वहां पर चोरी करनी है एंड दैट्स इट। मजाक बना रही हो। रॉकस्टार के बंगले के बाहर जितने सिक्योरिटी बाउंसर होते हैं ना मैडम, गोलियां बिगाड़ देंगी मेरी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा चोर हूँ, मैंने ऐसे काम किए वैसे काम किए, तो अब जब चोरी करने की बारी आई तब क्या हुआ, डर गए? नहीं डरा नहीं, वैसे पैसे तो मैं ज्यादा लूंगा ये काम करने के लिए। ठीक है ठीक है, ये लो एडवांस है, काम हो जाएगा तो उसके बाद पैसे भी मिल जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ये कौन है? चोर, चोर, उसे पकड़ने जा रहा हूं। अभी तक तो सब सही जा रहा है, आई होप ये अपना काम अच्छे से कर लेगा। अरे सुनिए उधर भाई, ये इस टाइम बाहर क्या कर रहे हैं? मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये किसके पीछे भागने लगे? इन्हें तो रोनी की तरफ जाना था, अब क्या करूं? रोनी को बोलती हूँ कि वो अपना काम थोड़ा डीले करे, वरना ये तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सब क्या हो रहा है? पहले एक रोनी दिखता था, अब चार चार। ये भी मेरा वहम है, ये सच में हो रहा है? नहीं नहीं, एक भूत वहम हो सकता है पर चार चार नहीं। ऐसी शक्ति सिर्फ भूतों के पास होती है, वो भूत ही है। और तू पागलों की तरह सुनसान जगह आ गई। अब इससे पहले कि वो दोबारा आ जाए, आंख बंद कर और घर की तरफ भाग, वरना भूत आ जाएगा तो तुझे बाद में मारेगा, पहले तू हार्ट अटैक से मर जाएगी। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे माफ कर, तुम मुझे मत मारो। अगर मुझे मारोगे तो तो खून के इल्जाम लगेंगे। मतलब मुझे मुझे मौत की सजा होगी? मरने वाले को मौत की सजा कौन देगा? क्या कर रही तनु, भूत इमोशनल नहीं होते, कुछ और ट्राई कर। देखो मुझे तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें लास्ट टाइम धोखा दिया था, तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, पर अब तुम बोलोगे मैं तुम्हें अभी के अभी पैसे दे दूंगी। आई नो वो पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं है, पर तुम अपनी फैमिली को दे सकते हो, उनके काम आएंगे। मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं, आई प्रॉमिस, मैं खुद पैसे दे के आऊंगी। वरना अब तो भूत है, अब दोबारा भी बदला ले सकते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। इद्दी अभी सर को अभी तक लेकर क्यों नहीं आई? आएंगी भी तो सामने थोड़ी ना आएंगी, तू बस अपना काम कर। ये मोगैम्बो का चली, प्लीज माफ कर दो। तनु तनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मुझे मैं सच में पागल होती जा रही हूँ, मुझे प्लीज बता लो, मैं पागल नहीं होना चाहती। ए तनु, तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो,
तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता अभी, मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैं कैसे यहाँ पे पहुंची, लेकिन मैं जब होश में आई तो मैंने खुद को यहाँ पे पाया। अभी मुझे प्लीज बचा लो, मैं मेरी ऐसी हालत हो गई मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकी, प्लीज मुझे बचा लो अभी प्लीज। हे तनु तनु मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, तुम मेरे साथ चलो। रोना बंद करो आराम। क्या हुआ तनु ने किया अपना सच कबूल? अभी जीजू ने देखा उसे सच बोलते हुए? तनु ने तो सारा सच बोल दिया था, लेकिन तनु को सच बोलते हुए अभी सर ने देखा था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा था और पता नहीं अभी सर वहाँ आए भी थे या नहीं। ये भाई इतनी रात को बाहर आए क्यों थे? पूरा प्लान खराब कर दिया, लगता है पूरा घर ही बाहर आया हुआ है, रचना और प्रज्ञा भी बाहर, पर ये तीसरा कौन है इनके साथ? रोनी? पर इसे तो निखिल ने मार दिया था, फिर ये यहाँ प्रज्ञा और रचना के साथ, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी जीजू आए थे वहाँ? नहीं रच, मैंने गार्डन तक तो ले आई, पर उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या आवाज सुनाई दी और किस तरफ किसके पीछे चले गए। मतलब हमारा जो प्लान था वो फिर से फेल हो गया, तनु को सच बोलते हुए सिर्फ मैंने देखा। नहीं रोनी, जब वो अपना सच कबूल कर रही थी तब मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने सब कुछ फोन पे रिकॉर्ड कर दिया, ये देखो। वाह दी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, लास्ट बॉल में सिक्सर मार के ना सारा मैच जीत लिया, इस बार का हमारा जो प्लान है ना वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। नहीं रोनी, तुमने अपना काम कर दिया, मैंने अपना, लेकिन अभी भी आखिरी स्टेप बाकी है जिसे हमें बहुत होशियारी से उठाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन देखो देखो रोनी, तनु को जब पता चलेगा कि हम किस तरह उसका सच सबके सामने लाए हैं वो गुस्से में कुछ भी कर सकते, हो सकता है वो तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए, और इस वक्त मैं तुम्हारी जान का खतरा उठाना नहीं चाहती। तुम प्लीज अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। समझाना इसे। डोंट वरी दी, मैं समझाती हूँ रोनी को। सब कमरे में चले जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए मैं ये सब। प्लीज, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सिंपथी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मुझे तुम्हारी बातों से और परेशान नहीं होना, इसलिए प्लीज चुप बैठो। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, आप तो बताइए बात क्या है। क्यों हंसना चाहती हो मुझ पर? तो हंसो, क्योंकि मैं तनु को लेकर परेशान हूँ। वो जो हमने चीखने की आवाज सुनी थी ना, वो किसी और की नहीं बल्कि तनु की आवाज थी, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो एक कोने में बैठकर रो रही थी, मुझसे कह रही थी कि प्लीज मैं उसे पागल होने से बचाऊं। अरे पागल तो मैं हो रहा हूँ, रोज सुबह उठता हूँ तो कोई नई मुसीबत आकर मेरे सर पर बैठ जाती है, ऐसे नहीं जी सकता हूँ मैं इस बोझ के साथ, और जीना तो क्या, मैं अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाता, मैं तनु से शादी नहीं कर पा, मैं अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पा, वह वो लोग परेशान है और यहाँ पर तनु की हालत और बिगड़ती जा रही है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, कभी कभी तो मन करता है कि सबको मार दूं उसके बाद खुद मर जाऊं। अरे नहीं, आप ही देखिए। बस अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं शुरुआत तुमसे करूं ना, तो प्लीज चुप बैठ जाओ और सो जाओ। ये तो बहुत बुरे मूड में है, और इस वक्त मैंने अगर इनसे कुछ कहा तो पता नहीं उससे मैं क्या करेंगे, कहीं तनु की जान न ले ले। नहीं नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा, कल सुबह इनका मूड देखकर बात शुरू करूंगी, सुबह गुस्सा तो थोड़ा कम हो ही जाएगा और दादी भी साथ होंगी तो सिचुएशन कंट्रोल में होगी। बस एक रात और, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म, फिर जिंदगी आपको बोझ नहीं लगेगी, आपको आपका प्यार और मुझे मुझे आप मिल जाएंगे, तो ये ही जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।